जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। हमारे पास ये ब्लूटूथ ईयरफोन है बोट रॉकर्स 335। इसमें आपको मिलता है डुअल पेयरिंग का फीचर्स। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बोट रॉकर्स 335 में आप एक साथ दो डिवाइसेज को कैसे कनेक्ट करें और दोनों कनेक्टेड डिवाइस में कैसे स्विच करें। गाइस वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। बोट रॉकर 335 के बारे में मैंने अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसको जरूर देखिएगा। गाइज ड्यूअल पेयरिंग फीचर्स के थ्रू आप एक साथ दो स्मार्टफोन, दो लैपटॉप या डेस्कटॉप या एक लैपटॉप डेस्कटॉप और एक स्मार्टफोन को इजिली एक साथ कनेक्ट कर सकते हो और एक एक करके दोनों डिवाइसेज में आप इजिली स्विच कर सकते हो। डुअल पेयरिंग फीचर्स को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लूटूथ ईयरफोन के पावर को ऑन करना होगा। पावर को ऑन करने के बाद दोस्तों आपको इसको पेयरिंग मोड में इनेबल करना होगा। उसके लिए आपको सिंगल पावर बटन को प्रेस कर देना होगा। अभी आपका ब्लूटूथ ईयरफोन पावर मोड में, पेयरिंग मोड में जा चुका है। अब आपको एक एक करके अपने दोनों डिवाइसेज के ब्लूटूथ को ऑन करना होगा, उसके बाद आपको कनेक्ट करना होगा। आपने अगर ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है तो आपको पेयर डिवाइस में, अदरवाइज आपको अवेलेबल डिवाइस में जाके देखना होगा। अभी आप लोग देखेंगे पेयर डिवाइस में पावर ऑन करते ही पेयरिंग मोड में कनेक्ट हो चुका है। हमारे दूसरे डिवाइस में भी इसको कनेक्ट करने के लिए बस सिंपल सा आपको ब्लूटूथ यहां से ऑन करना होगा और आपको ये पेयर डिवाइस में मिल जाएगा। जैसे हम यहां पे सिंपल सा टाइप करेंगे अभी हमारे इस डिवाइस में भी ये कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों भी आप लोग देख सकते हैं हमारे Samsung Galaxy A31 और Redmi Note 5 Pro दोनों में ये बोट रॉकर 335 इजीली कनेक्ट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एक एक करके दोनों डिवाइसेज में कैसे स्विच करना है। दोस्तों भी हमारे दोनों फोन बोट रॉकर 335 से कनेक्टेड हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको एक एक फोन में स्विच करना है। अभी आप लोग देखेंगे कि हम सेम वीडियो दोनों फोन में प्ले करेंगे। जो भी वीडियो, ऑडियो, म्यूजिक या कॉल आप सबसे पहले जिस फोन में प्ले करेंगे, आपको उसी फोन की म्यूजिक, वीडियो या कॉल्स की वॉइस आपके ईयरफोन में सुनाई देगी। अगर मैंने ये वीडियो प्ले किया तो आपको अब इसी फोन की जो भी वॉइस आएगी, चाहे ऑडियो प्ले कर रहे हैं, चाहे वीडियो प्ले कर रहे हैं, चाहे कॉल पे हैं, आपको उसी की आवाज आपके ब्लूटूथ में सुनाई देगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप अब इस फोन की भी प्ले करते हैं तो इसकी आवाज आपके ब्लूटूथ ईयरफोन में नहीं जाएगी, जब तक कि आप इसकी आवाज को बंद नहीं कर देते। जैसे हम इसकी आवाज को बंद करेंगे पहले फोन की, अब दूसरे फोन में जो भी ऑडियो या वीडियो प्ले हो रही है वो आपके ईयरफोन में सुनाई देने लगेगी। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इजिली स्विच कर सकते हैं। अगर मैं इसको और समराइज करूं, अगर आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को एक फोन से और एक लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट कर रखे हैं, आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कोई भी म्यूजिक या मूवीज को एंजॉय कर रहे हैं और आपके फोन में कोई भी कॉल आती है, दिन आप लैपटॉप या डेस्कटॉप की म्यूजिक को जैसे ही पॉज करेंगे, आपके फोन की जो कॉल की वॉइस होगी आपके ईयरफोन में सुनाई देने लगेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।